जय शीतला मैया की। राधे राधे दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे शीतलाष्टमी के दिन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन माँ की विशेष कृपा के लिए क्या कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम, जैसा कि सबको विदित है, यह माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाना चाहिए। खासकर यह कई मौसमी बीमारियों से रक्षा करने के लिए दिन माना जाता है और साथ ही साल भर माँ शीतला की कृपा रहती है ऐसा माना जाता है। घर परिवार पर दुख बीमारियों का साया नहीं रहता है ऐसा माना जाता है। इस दिन पूजन करने से सप्तमी के दिन ही पकवान इत्यादि बना लिए जाते हैं। अष्टमी के दिन या कई जगह पे सप्तमी के दिन माता को ठंडी पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस तरह से इनका कार्य किया जाता है। अब जान लेते हैं कौन से कार्य वर्जित है। सबसे पहले, इस दिन जैसा कि यह शीतला मैया माता का ही अवतार मानी जाती हैं, तो जिस प्रकार से हम नवरात्रि में खट्टी चीज़ों का माता को भोग नहीं लगाते हैं और न ही उनको अर्पित करते हैं कोई भी खट्टी चीज़ें, तो उसी प्रकार से इस पूजन में भी खट्टी चीज़ें खाना और भोग लगाना वर्जित माना गया है। नमक, तीखा इत्यादि बिल्कुल आप अगर पहले दिन बना रहे हैं तो अपने लिए अलग से निकाल के रख ले, परंतु माता को खट्टी चीज़ें, नमक से युक्त चीज़ें, बहुत अधिक नमक की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि इनसे भोजन से शीतला माता को वर्जित माना गया है। खट्टी चीज़ें और ज़्यादा नमक की चीज़ें, ज़्यादा तीखी चीज़ें इस तरह से ना करें शीतलाष्टमी के दिन। इसके अलावा अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए इस दिन भूल कर भी, जैसा कि यह ठंडी चीज़ें खाने का इस दिन रहता है, तो आप इस दिन जो है घर में अग्नि प्रज्वलित ना करें। आपके घर पर अगर छोटे बच्चे हैं या कोई वृद्ध जन है जिनको हारी बीमारी के कारण यह माना गया है कि गर्म या ताज़ा भोजन ही खिलाना चाहिए, तो आप उनके लिए दूध इत्यादि गर्म कर सकते हैं, पर जहाँ तक संभव हो यह इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर पर अग्नि इत्यादि नहीं जलानी चाहिए। इससे माँ रुष्ट हो जाती हैं और माँ शीतला की आरती भी जल से ही की जाती है यहाँ तक तो। और जब आप चाय इत्यादि की, जो आप कई लोगों के सर दर्द इत्यादि हो सकता है तो हो जाता है, चाय वगैरह ना पीने से कई समस्याएं होती है आदत इत्यादि के कारण, तो इस तरह से कई जन पड़ोस में जाकर या आसपास अपने दूसरे घरों में दूध इत्यादि गर्म कर लाते हैं, पर यह भी सही नहीं माना जाता। जहाँ तक संभव हो सके, जब तक आपसे हो पाए, आप इस दिन घर में अग्नि इत्यादि ना जलाएं, ना चाय इत्यादि बनाएं। कई जगह पर पूजन के पश्चात चाय इत्यादि पीने का चलन है, आपसे बिल्कुल भी ऐसा ना हो पाए। जब भारी बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, तब तो यह सारी चीज़ें थोड़ा सा चल सकती हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो अग्नि का प्रज्वलन इस दिन साफ तौर पर मना ही की जाती है शीतलाष्टमी के दिन। इसके अलावा घर पर, जैसा कि मैंने बताया, माता को लाल, ज़्यादा लाल के गहर बिल्कुल चटक लाल रंग, पीले रंग ऐसा माना जाता है, यह भी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ज़्यादा गाढ़े रंग के वस्त्र, नीले, काले, कोई भी लाल या पीले ज़्यादा चटक रंग के वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है इस व्रत पर या इस पूजन पर। इसके साथ ही शीतलाष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना जाता है। इससे पहले एक दिन साफ सफाई इत्यादि करके माता का भोग तैयार करना चाहिए। इस दिन झाड़ू इत्यादि लगाने की साफ मना की जाती है, परंतु यह संभव ना हो तो कुछ चीज़ें तो अवश्य ध्यान रखें कि सुबह सुबह ही झाड़ू न लगाएं। पूजन इत्यादि करने के पश्चात दिन के समय में आप झाड़ू इत्यादि लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन सिलाई इत्यादि करना भी, सुई में धागा इत्यादि डालना भी मना किया जाता है। साथ ही माता शीतला के भोग में प्याज, लहसुन इत्यादि का बिल्कुल भी न तो भोग लगाया जाता है और न ही सेवन किया जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कई क्रोधों का आप माता के सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शीतलाष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानकर को न तो तंग करें और न ही उसे मारें या पीटें। इस तरह की हरकतें किसी भी जानवर के साथ ना करें, खासकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन कहा जाता है। ऐसा करने से कई कुष्ठ रोग इत्यादि जो लोक मान्यताएं हैं, कुष्ठ रोग इत्यादि इनका वाहक माना जाता है। किसी भी जानवर को इस दिन तंग करना ऐसी लोक मान्यताएं हैं। इसके साथ ही
इस दिन ऊनी वस्त्रों को न तो पहना जाता है और न ही उन्हें बिछाया जाता है। गर्म इत्यादि के जो वस्त्र होते हैं, गर्म करने वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल इस दिन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे माता रुष्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही जो कार्य हैं वह कौन कौन से इस दिन करने चाहिए। इस दिन गधा आपको कहीं पर मिले तो उसे हरा चारा, जो कि माँ शीतला का वाहन माना जाता है, हरा चारा उसे खिलाना चाहिए, जो कि माँ की कृपा पाने के लिए विशेष फल देने वाला होता है। इसके साथ ही आप अपने घर पर इस दिन झाड़ू लेके आएं, सूप लेके आएं, ऐसा माना जाता है कि माता के हाथ में सूप इत्यादि तो नहीं दिखाया जाता, सूप वह होता है जो अनाज इत्यादि साफ करने के काम आता है। आपने देखा होगा माता के हाथ में झाड़ू होता है, माँ को साफ सफाई बेहद प्रिय होती है, तो इस दिन झाड़ू आप अपने घर पर लाएं और उसे ही पूजन इत्यादि में काम में लें, ऐसा माना जाता है। झाड़ू इत्यादि इस दिन कम ही लगाना चाहिए घर पर, परंतु झाड़ू लाना, सूप लाना घर पर बेहद शुभ माना जाता है, ऐसा करना भी माँ की कृपा पाने का। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, वृद्धजनों की सेवा करना, इस दिन कुष्ठ जनित लोगों को, जो रोग से पीड़ित जन हैं, उनको कुछ दान में देना जो आपसे संभव हो पाए, माँ शीतला की कृपा पाने के लिए विशेष मानी जाती है। झाड़ू इत्यादि का आप दान भी इस दिन कर सकते हैं, ऐसा करना भी सुख समृद्धि धन दौलत और घर में समृद्धि को लाने वाला होता है। आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा, इसी आशा के साथ। शीतला माँ की कृपा आपके घर पर रहे, इसी आशा के साथ जय माँ शीतला।